If you want to grow in your life, don't compare with others. Always compare to yourself. Hello friends, welcome to our life learning sessions. आज हम जिस person के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, उनसे हम बहुत सारा चीज़ें सीख सकते हैं life में, and हम भी वो सारा चीज़ को implement करके life में आगे बढ़ सकते हैं, success को achieve कर सकते हैं, grow कर सकते हैं. आज हम जिस person के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, he is none other than Michael Phelps. उन्होंने उनका लाइफ में 6 साल में जितना रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड इंडिया 24 ईयर्स में, और सारा रिकॉर्ड्स के साथ सेम है. तो उनसे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, एंड उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी किया है उनका लाइफ में, एंड उन्होंने कैसे और चीज़ को अचीव किया है, सारा चीज़ हम बात करने वाले हैं. एंड उनसे हम 5 चीज़ें, ऐसा क्या 5 चीज़ है जो चीज़ हम सीख के हम भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं. अचीव द अनअचीवेबल, वो हमेशा से जो चीज़ कहते हैं उसे हमेशा वो अचीव करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. जो भी उनको चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उसे अचीव करते हैं. आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. माइकल फिलिप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. माइकल फिलिप्स 1985 में उनका जन्म अमेरिका में उनका जन्म हुआ था. वो 7 साल की उम्र से ही स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, स्विमिंग सीख रहे थे. जो उनके गुरु थे वो हमेशा से पहले से जब वो स्विमिंग स्टार्ट किए तभी से उनका साथ थे. जब वो 9 साल की हुए तभी उनका फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ. वो उनके पेरेंट्स को बहुत प्यार करते थे, बहुत उनका हमेशा से उनका सपोर्ट वो चाहते थे, लेकिन फैमिली डिस्टर्बेंस के वजह से उनके फादर जो थे वो हमेशा उनको इग्नोर करते थे. और जब वो 10 साल के हुए तभी उन्होंने उनका पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था. तभी वो बहुत डिस्टर्बेंस में रहने लगे, बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन वो स्विमिंग कर रहे थे, अच्छा स्विमिंग कर रहे थे. तो वो उसको छोड़ के स्विमिंग पे ज़्यादा फोकस देने लगे. और जब वो स्विमिंग में ज़्यादा फोकस देने लगे तभी उनको गलत सोच भी नहीं आया, वो स्विमिंग में ही फोकस देने लगे, हमेशा स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे. और उन्होंने 12 साल की उम्र में नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप जीती. जब वो 15 साल की उम्र के थे, जब वो स्कूल में ही पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने ओलंपिक्स के लिए खेला. वो पहले ऐसा स्टूडेंट थे जो स्कूल से ही उन्होंने ओलंपिक खेला, और ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता. तभी उन्होंने आगे बढ़े, कभी रुके नहीं. जब वो 19 ईयर्स के थे तभी उन्होंने उनका रिकॉर्ड ही फिर से तोड़ा 19 ईयर्स में. तभी उन्होंने वो हमेशा से देखते थे, और उन्होंने एक रिकॉर्ड चार्ट बनाते थे वर्ल्ड में किसका ज़्यादा सबसे रिकॉर्ड है, तो उसको लिखते थे. और वो पूरे प्रैक्टिस के साथ, पूरे जोश के साथ उसको करते थे. हमेशा वो 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे और उसे उस रिकॉर्ड को तोड़ देते थे, जीतते थे. वो हमेशा खुद ही वैसा रिकॉर्ड बनाते थे और खुद का रिकॉर्ड खुद से ही तोड़ देते थे. एक बार की बात है, जब उनको हेल्थ का प्रॉब्लम आया, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उनका एक हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया. तभी डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका प्रैक्टिस अभी बंद करना चाहिए, स्विमिंग बंद करना चाहिए. लेकिन स्विमिंग ही उनका ऐसा है कि पैशन था स्विमिंग में, कि उसको कभी छोड़ नहीं सकते. तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हाथ से स्विमिंग नहीं कर सकता तो अच्छा है, क्योंकि मेरा पैर है, मैं पैर से और ज़्यादा स्पीड बनाने का कोशिश करूँगा और पैर से ही खेलूँगा. तभी उन्होंने प्रैक्टिस किए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि ओलंपिक में वन ईयर में 7 पहले रिकॉर्ड था, 7 गोल्ड मेडल 1 ईयर में जीते थे. तो उन्होंने
पूरे मीडिया के सामने उन्होंने अनाउंस कर दिए थे कि वो एक साल में ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल ही जीतेंगे, सिल्वर या अलग मेडल नहीं, उनको गोल्ड मेडल ही चाहिए, ये अनाउंस कर दिए थे। लेकिन वो जब भी कोई बात अनाउंस कर देते तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तभी उन्होंने पैर से ही प्रैक्टिस किया, वो 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे, तभी उनका पैर बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो गया और उन्होंने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो आज हम उनके 5 लर्निंग के बारे में बात करेंगे, उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, उनके जीवन से, उनके प्रैक्टिस से हम क्या क्या सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम उनके बारे में 5 लर्निंग के बारे में जानते हैं। आज का पहला लर्निंग है, डोंट कंपेयर टू अदर्स, ऑलवेज कंपेयर टू योरसेल्फ। वो हमेशा खुद रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड खुद से ही तोड़ देते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। यस, वो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो डोंट कंपेयर विद अदर्स, ऑलवेज कंपेयर टू योरसेल्फ। वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल लेता था क्योंकि उनका रिकॉर्ड खुद उन्होंने तोड़ते थे। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता, अगर हम कोई चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो हम इतना खुश हो जाते हैं उसमें, वो करना ही छोड़ देते हैं अगर हम कुछ रिकॉर्ड बना लिया। बट वर्ल्ड का रिकॉर्ड था, वो चीज़ वर्ल्ड का रिकॉर्ड था, उन्होंने 10 गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत चुके थे एंड उनका हाइस्ट गोल्ड मेडल का नाम उनके नेम पे था। बट उन्होंने खुद का रिकॉर्ड खुद ने तोड़ा है, एंड वो चीज़ उन्होंने ऐसे ही नहीं तोड़ा है। एवरीथिंग देयर वी मेक ए प्लानिंग बिफोर देयर वी डू दैट थिंग्स, वो सारा चीज़ करने से पहले वो प्लानिंग करते थे और सारा चीज़ मीडिया को पहले एक्सप्रेस कर देते थे। उसके लिए बताया जाता है, अगर आपका जो गोल रहता है, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ डिस्क्लोज कर दो, दूसरों को बता दो। जब दूसरों ने आपको बताने लगे तो आपका याद आते रहेगा उस चीज़ को, एंड उसमें आप एक्टिविटी कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। उनका लाइफ में उनका हाथ का चैलेंजेस आया था, उन्होंने क्या कहा, आई एम लकी, आई हैव पैर, मेरे पास पैर है, मैं लकी हूँ, एंड पैर में करने लगे। उनका आँख में पानी आ गया था, घुस चुका था, बट उन्होंने कभी रोका नहीं खुद को। 12 आवर्स विदाउट एनी हॉलीडेज, कैन यू इमेजिन दैट थिंग्स। आज उनके बारे में दुनिया बात करता है, दुनिया उनसे लर्निंग लेता है, बट कुछ तो थोड़ा सा चीज़ हम लर्निंग ले पाएंगे उनसे, जो चीज़ हम भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आगे ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। एक्सक्यूज कितना दिन तक निकलते रहेंगे लाइफ में, एक्सक्यूज खोजेंगे तो आपको 1000 एक्सक्यूज मिल सकता है, बट आपको एक रीजन फाइंड आउट करना है। उनका पास एक रीजन था, मेरे को वर्ल्ड का टॉप लेवल पे वो रिकॉर्ड करना चाहते थे। वो एक रीज़न और सारा एक्सक्यूज को एंड कर देता था, एंड वो रीज़न वो एक्सप्रेस कर देते थे, मीडिया के आगे एक्सप्रेस कर देते थे, लोगों के आगे नहीं, एक दो लोगों के आगे अगर एक्सप्रेस भी करते तो वो भूल जाते, ठीक है, मीडिया के आगे एक्सप्रेस करता तो मीडिया उस चीज़ को दोबारा रिपीट करते और घुमा के और बार बार दिखाता है। तो दैट इज़ द थिंग्स दे वी डिड, क्योंकि वो पहले एक्सप्रेस कर देंगे तो इनके पास इतना पोटेंशियल आ ही जाएगा, उनको पता है दे कैन डू दैट थिंग्स इन देयर लाइफ। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? आज का नेक्स्ट लर्निंग है, डोंट फाइंड आउट एक्सक्यूज, ऑलवेज फाइंड आउट सॉल्यूशन। यस, डोंट फाइंड आउट एक्सक्यूज, ऑलवेज फाइंड आउट सॉल्यूशन। 1000 उनके पास रीजन ही रीजन था ना करने का, क्योंकि फर्स्ट चीज वो ऑलरेडी कर चुके थे, उनके पास रीजन है, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा रिकॉर्ड कौन तोड़ा है, तो दैट इज द एक्सक्यूज। वो अगर चाहता तो वो कर सकते थे, बट दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग्स। उनका लाइफ में जब उनका चैलेंजेस आया था, उनका पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था, वो डिप्रेशन में जाने लगते थे। मोस्ट ऑफ टाइम हम डिप्रेशन में जाते हैं तो उससे हम क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रॉन्ग थॉट्स माइंड में आता है। बट उनका लाइफ में जब आता उससे सारा चीज़ आने लगा, उनका पेरेंट्स को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने बहुत प्यार करते थे, एंड जब उनका डिवोर्स होने लगा एंड वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होते गए, बट उसी टाइम उन्होंने एक कमिटमेंट किया, देयर बी फोकस ऑन द स्विमिंग। उसमें उनका एक बेनिफिट हुआ, स्विमिंग में फोकस करने लगे, स्विमिंग में एक्सपर्ट बनते गए, एंड डिस्ट्रैक्शन से, गलत चीज़ों से और खुद को बचाते गए। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग्स। अगर आप भी, आपका लाइफ में भी कोई डिप्रेशन आ रहा है, कोई भी थॉट्स, गलत थॉट्स आ रहा है, तो वो उसी थॉट्स को आप अदर वर्क एक्टिविटी में आपको एंगेज रहना है, तो अदर रॉन्ग थॉट्स आपका माइंड में नहीं आएगा। रॉन्ग थॉट्स माइंड में तभी आता है जब आप फ्री रहते हैं लाइफ में, तभी रॉन्ग थॉट्स आता है। वो खुद को इतना एंगेज रखने लगे कि वो थॉट्स से वो आसानी से वो
खुद के साथ खुद के साथ खुद को टाइम देने लगे एंड उसी में उनका और चैलेंजेस था, बट उसी चैलेंजेस को उन्होंने पोटेंशियल बनाया है एंड वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाते गए लाइफ में। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट? आज का तीसरा लर्निंग है ऑलवेज एक्सेप्ट मिस्टेक एंड ग्रो इन योर लाइफ। यस ऑलवेज, यस। वो उनके लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आया था, वो इतना रिकॉर्ड बना चुके थे, इतना ऊपर लेवल के लिए जा रहे थे, गए थे, वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़े थे, फिर भी सभी के लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, सभी का कोई ना कोई लाइफ में मिस्टेक होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन, ह्यूमन मतलब सबका मिस्टेक होता है, उनसे भी मिस्टेक हुआ था, वो कुछ समय के लिए गलत फ्रेंड उनके साथ हो गए थे, गलत फ्रेंडशिप में वो चले गए थे, तभी उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, वो ड्रिंक्स करते थे, ड्रग्स करते थे, इसकी वजह से उनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनको जब मीडिया ने पूछा आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, इतना रिकॉर्ड बना चुके हैं, आप इतने सक्सेस को रीच कर चुके हैं, फिर भी आप क्यों ये सब करके फिर से आपके लाइफ में नीचे के तरफ जा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा मिस्टेक सभी से होता है, मिस्टेक मुझसे भी हुआ है, लेकिन मैं फिर से आगे बढ़ूँगा। और वो आगे बढ़े और उन्होंने माइकल फिलिप्स के नाम से एक चैरिटी भी खोला, उससे वो सभी ऐसे बच्चों को हेल्प करते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, और वो कभी भी कोई भी ओकेजन आ जाए वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, हमेशा 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। यस, मिस्टेक तो हर किसी से होता है, बट मिस्टेक को सीख के एंड उसी से हम आगे बढ़ना है। उनका लाइफ में भी वो ग्रेट मिस्टेक कर चुके थे, बट लकी थे कि वो चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड उन्होंने डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हुआ उनके पास, वो सारा चीज़ अचीव कर चुके थे, रिकॉर्ड कर चुके थे, सारा चीज़ कर चुके थे, बट एट दैट टाइम उन्होंने जब खुद को मिस्टेक एक्सेप्ट किया तब चैरिटी एक बना लिया, जब चैरिटी बना लिया तो तब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, दूसरों को सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा है उनको टीचिंग देते थे, स्विमिंग का टीचिंग देते थे, अगर उसमें खुद डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो उनका स्टूडेंट क्या लर्निंग करेंगे, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया जो चीज़ उनको मदद किया वो सारा चीज़ डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने के लिए। फर्स्ट चीज़ वो चीज़ उनके साथ हो पाया क्योंकि उन्होंने उनका मिस्टेक को एक्सेप्ट किया उनका लाइफ में, दैट थिंग्स इट विल बी दैट डिड ए ग्रेट थिंग्स इन देयर लाइफ। अगर उनको मिस्टेक को अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो उनका लाइफ में चेंजेस नहीं आया होता, तो व्हेयर दे विल बी गोज दे ऑल्सो डोंट नो व्हेयर दे विल बी गोज। सो सेम चीज़ होता है हमारा लाइफ में भी, हमारा भी मिस्टेक होता है, ह्यूमन मतलब मिस्टेक होता है, बट वो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है एंड उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके हमको आगे बढ़ना है, ना कि हम मिस्टेक के साथ एक्सक्यूज करना है एंड उसके साथ खुद को रोकना है। ठीक है, एवरी मिस्टेक देयर इज अ सोल्यूशन, बट सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारा टास्क है। आज का चौथा लर्निंग है परफेक्ट प्रैक्टिस में मेक देम परफेक्ट। हमेशा वो परफेक्ट प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो भी वो अनाउंस करते हैं वो सिर्फ ऐसे ही अनाउंस नहीं करते हैं, वो उसे पूरा फोकस के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं। और एक बार की बात है जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन उनका पैर में हैंड में फ्रैक्चर आया, तो उन्होंने पैर में प्रैक्टिस किए, फिर भी जब वो स्विमिंग के लिए उड़े तभी उनके आँखों में पानी घुस गया, वो आँखों से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उन्होंने स्विमिंग नहीं छोड़ा क्योंकि उनका गोल था, उनका डेस्टिनेशन था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे और वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे वर्ल्ड के लिए। तभी उन्होंने जो उनका प्रैक्टिस था, जो 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे, उसी से ही उन्होंने स्विमिंग किया बिना देखे, वो सेकेंड मिनट काउंट कर करके ऐसे स्विमिंग किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। Yes, practice makes perfect. Practice does not make perfect,
प्रैक्टिस मैन एक्सपर्ट ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, उन्होंने परफेक्ट प्रैक्टिस कर रहे थे उनका लाइफ में, उनका हैंड का फ्रैक्चर आया, उन्होंने वो पैर में करना शुरू किया क्योंकि उनके पास गोल क्लियर था एंड कब तक अचीव करना था। उन्होंने 12-12 घंटा उन्होंने टाइम बिताते थे एंड विदाउट हॉलीडेज, हॉलीडेज के बिना और टाइम बिताते थे। अगर इतना टाइम अगर उन्होंने वो चीज़ एक्सक्यूज आ गया था उनका लाइफ में, उनका हैंड नहीं था, स्विमिंग कैसे करेंगे, 1000 एक्सक्यूज था, बट उन्होंने ऑलरेडी अलाउंस कर लिया था तो वो पैर में करने लगे एंड जो चीज़ उनको बेनिफिट किया था उनको हाईएस्ट खुद का रिकॉर्ड खुद को तोड़ने में, ठीक है, दैट इज़ अ फर्स्ट वन चीज। वो इंटरव्यू में भी वो चीज़ बताया था, एट दैट डे इज द लकी डे, जिस दिन मेरा हाथ का फ्रैक्चर आया था इसके लिए मैंने आज इतना गोल्ड मेडल अचीव कर पाया हूँ क्योंकि मेरा पैर मैंने मेरे को साथ दिया जिसके वजह से मैं इतना फास्ट एक्टिव कर पाया। एंड जब उनका हैंड सही होने लगा एंड हैंड एंड पैर दोनों चलाने लगे और फास्ट मूव होते गए स्विमिंग में, फास्ट आते गए एंड हर फील्ड में उन्होंने वो गोल्ड मेडल अचीव करने लगे। तो दैट इज़ द थिंग्स, अगर कोई भी एक्सक्यूज निकल जाता है, ठीक है, उन्होंने हमेशा देखते हैं मेरे पास क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ एंड वो चीज़ मेरे को, मेरा जो डेस्टिनेशन है मैं वहाँ तक टाइम पे कैसे रीच कर पाऊँगा, इतना सा चीज़ वो करते थे लाइफ में। कोई भी एक्सक्यूज नहीं आता था, नहीं लेते थे, ऑलवेज सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे एंड सॉल्यूशन उनको मिल जाता था उनका लाइफ में। एवरी प्रॉब्लम देयर इज द सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपका टास्क है, डेफिनेटली यू विल गेट इट इन योर लाइफ। व्हाट इज द लास्ट वन, आज का लास्ट लर्निंग है, डोंट कीप नॉलेज टू योरसेल्फ, ऑलवेज शेयरिंग नॉलेज विथ अदर्स। वो हमेशा उनके नॉलेज जो वो स्विमिंग में उनका जो नॉलेज था वो खुद से ही नहीं रखे, उन्होंने स्विमिंग के लिए बच्चों को सिखाया क्योंकि वो ये देख चुके थे उनके लाइफ में, क्योंकि उनका बहुत जब वो छोटा थे तभी उनका हेल्थ का भी बहुत प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो स्विमिंग से ही उससे भी बाहर आए थे। जब वो डिप्रेशन में थे तभी भी वो स्विमिंग से ही निकले थे, तभी वो नॉलेज उनके पास ही नहीं रखा, उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया और वो हमेशा से चाहते थे कि कैसे स्विमिंग से लोग भी उनका हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यस, डोंट कीप योर नॉलेज टू योरसेल्फ, ऑलवेज शेयर विद अदर्स। उन्होंने भी सेम चीज़ किया, आज उन्होंने इतना चीज़ें अचीव किए हैं बिकॉज उनका इंटेंशन हमेशा क्लियर था, हमेशा लोगों को मदद करने का था एंड हमेशा कुछ आगे बढ़ने का था, उस चीज़ के लिए जो चीज़ जरूरत था वो सारा चीज़ वो करते थे उनका लाइफ में। तो आपका लाइफ में भी जो चीज़ है, जो चीज़ लर्निंग है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, जितना नॉलेज शेयर करेंगे इतना नॉलेज बढ़ता है, कभी घटता नहीं। तो ऑलवेज कीप योर इंटेंशन गुड एंड ऑलवेज शेयर योर नॉलेज। सो थैंक यू टू एवरी वन, वट एवर यू विल बी लर्न दिस 5 पॉइंट्स यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एंड यू विल बी ग्रो इन योर लाइफ। आप ऐसा क्या एक चीज़ आप लाइफ में फॉलो करने वाले हैं, और चीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू, लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरी वन, थैंक यू टू एवरी वन एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरी वन।